अस्सलाम वालेकुम क्लास हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन आई एम ऑल्सो फाइन अलहमदुल्ला सो क्लास टूडेज माय टॉपिक इट्स अबाउट मैथ्स बुक सो टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन इट ओपन पेज नंबर सिक्सटी वन बेटा देखिए सिक्सटी वन पे क्या राइट हुआ हुआ हैवी एंड लाइट ओके आज का जो आपका मैथ का मैथ बुक का वर्क है उसके टॉपिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है हैवी एंड लाइट का ठीक है हैवी मतलब भारी लाइट मतलब हल्का हैवी मतलब भारी लाइट मतलब हल्का ओके okay, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपका हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देखिए बेटा पहली एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल आपको आपकी बुक में दी हुई है कॉटन बॉल्स आर लाइट ब्लॉक इज हैवी इट्स मीन कॉटन बॉल्स जो हैं वो क्या हैं लाइट हैं हल्की हैं और ब्लॉक क्या है हैवी है भारी है ओके okay? मैं आपको हैवी एंड लाइट की कुछ और एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन हम वर्किंग करेंगे ओके okay? पहले मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ बेटा मैं आपको हैवी एंड लाइट के फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ ओके okay? मैं आपको एग्ज़ैम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हैवी एंड लाइट का ओके okay? बेटा ये क्या है हैवी और ये क्या है लाइट आप लोग देख सकते हैं ये उठाने में यानी वेट में ये क्या है ज्यादा है भारी है तो इट्स मीन ये हैवी एंड इट लाइट ओके हैवी लाइट हैवी लाइट बेटा मैं अब आप आपको सेकेंड एग्जाम्पल दूंगी बेटा हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है सिलेंडर एंड ब्लॉक की ओके okay. सिलेंडर हमारे पास क्या है हैवी मतलब भारी है ब्लॉक क्या है लाइट यानी हल्का है इट्स मीन स्लेंडर हैवी एंड ब्लॉक लाइट हैवी लाइट अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल दूंगी हैवी एंड लाइट की बेटा थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है बॉल एंड मार्बल की ओके okay. बॉल क्या है मेरे पास हैवी है और मार्बल क्या है लाइट है ओके okay. तो बॉल क्या है मेरे पास हैवी और मार्बल लाइट बॉल है भारी इट्स मीन हैवी और मार्बल है हल्का इट्स मीन लाइट ओके हैवी लाइट बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैवी एंड लाइट की ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके ओके okay? अब हम आते हैं अपनी वर्किंग पर यह क्वेश्चन राइट टू आवर है विच वन इज़ हैवी टिक इट इट्स मीन यहाँ पे उस पर टिक करना है जो हैवी है भारी है ओके okay? यहाँ पे आप लोगों को बेटा टू पिक्चर्स दी गई हैं देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट पे क्या है क्वाइल क्या है क्वाइल सेकंड स्टोन्स सेकंड क्या है स्टोन्स अब मुझे बताइए बेटा क्वाइल हैवी है या स्टोन्स स्टोन्स है भी है ना तो हम क्या करेंगे स्टोन पे टिक कर देंगे ओके सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास विच बुक इज़ लाइट टिक इट इट्स मीन आपने उस बुक पे टिक करना है जो लाइट है हल्की है आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में आप लोग को कौन सी बुक दी गई है हैवी और सेकेंड में लाइट तो हम कौन सी वाली बुक पर लाइट वो टिक करेंगे लाइट पे ना तो हमने लाइट पे टिक कर दिया ओके बेटा मैंने पेज नंबर सिक्सटी वन की वर्किंग डन कर ली नाउ टर्न योर पेज मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है ओपन पेज नंबर सिक्सटी टू ओके पेज नंबर सिक्सटी टू राइट हुआ है हैवी एंड लाइट ओके भारी और हल्का हैवी का मतलब क्या होता है भारी और लाइट का मतलब हल्का ओके okay? अब हम पेज नंबर सिक्सटी टू पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको रीड करते हैं कलर द बर्ड होल्डिंग लाइट ऑब्जेक्ट इट्स मीन आपको उस कलर बर्ड में कलर करना है जो लाइट ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है अब मुझे बताइए लाइट ऑब्जेक्ट कौन सा बर्ड होल्ड किया हुआ है फर्स्ट बर्ड के पास बैलून है बलून है ओके बलून होल्ड किया हुआ है और सेकेंड के पास ब्लॉक है इट्स मीन फर्स्ट बर्ड जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है ना तो हम लाइट फर्स्ट लाइट वाले ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वाले बर्ड में कलर करेंगे ओके okay? बेटा मैं अब अब क्या करूँगी बर्ड में कलर स्टार्ट करूँगी मैंने आप लोगों को कलर होल्ड करना बताया था ओके टू फिंगर वन थम मैंने कलर बिल्कुल टिप से स्टार्ट करा है ओके okay? आप लोगों को कलर करना है ब्लैंडिंग के साथ ओके विद ब्लैंडिंग आप लोगों ने कलर करना है कलर को आउट नहीं करना और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्किंग करनी है ठीक है बेटा देखिए मेरे वर्ड में कलर हो चुका है लाइट होल्ड वाले लाइट जिसने ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है ठीक है बेटा अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे कलर द हैवी ऑब्जेक्ट इट्स मीन आप लोगों को हैवी भारी ऑब्जेक्ट में कलर करना है अब मुझे बताइए इसमें से हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है की एंड लॉक आपको टू पिक्चर दी गई हैं तो अब मुझे बताइए बेटा कौन सा हैवी एंड लाइट है इसमें से लाइट क्या है की है और हैवी क्या है लॉक है तो हम क्या करेंगे लॉक में कलर स्टार्ट करेंगे बेटा देखें मैंने लॉक में कलर स्टार्ट कर दिया है आप लोगों ने भी नीट एंड क्लीन वर्किंग करनी है कलर को ब्लैंडिंग के साथ करना है आउट नहीं करना ओके बेटा आप लोग देख सकते हैं मेरे लॉक में कलर डन हो चुका है मैंने हैवी हैवी ऑब्जेक्ट में कलर डन कर लिया है पेज नंबर सिक्सटी वन एंड पेज नंबर सिक्सटी टू ये आपकी वेनिसे की वर्किंग है यानी बुद्ध की आपको ये वेनस्टे को डन करनी है इसके बाद आप लोग टेक आउट करेंगे अपनी मैथ्स की नोटबुक सो नाउ टेक आउट योर मैथ नोटबुक एंड ओपन इट ओपन दिस पेज ओके बेटा यहाँ क्वेश्चन राइट हुआ है हम क्वेश्चन रीड करते हैं मिसिंग नंबर्स जीरो टू नाइन ओके आप लोगों को मिसिंग नंबर्स करने हैं ज़ीरो टू नाइन इट्स मीन आप लोगों को बेटा यहाँ पर देख देख सकते हैं आप लोग जीरो लिखा हुआ है जीरो के बाद जो नंबर आएगा वो क्या है यहाँ मिस है ना तो आपको वो राइट करना है ओके ये होते हैं हमारे मिसिंग नंबर्स ओके अब मुझे बताएं जीरो राइट हुआ है जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है वन तो हम क्या करेंगे वन राइट कर देंगे ओके वन के बाद टू टू के बाद कौन सा नंबर आता है बेटा थ्री तो हम क्या करेंगे थ्री राइट कर देंगे थ्री के बाद फोर आता है अब फोर के बाद जो नंबर आते हैं यहाँ राइट नहीं हुआ ना तो हम क्या राइट हम खुद राइट करेंगे ओके okay? फोर के बाद कौन सा नंबर आता है फाइव तो हम फाइव राइट कर देंगे फाइव के बाद बेटा सिक्स फाइव के बाद बेटा सिक्स आता है सिक्स के बाद कौन सा नंबर आता है सेवन ना या सेवन राइट नहीं हुआ सेवन हमने राइट कर दिया ओके okay? बेटा ये क्या है हमारे मिसिंग नंबर्स हैं ओके सेवन के बाद एट एट के बाद कौन सा नंबर आता है नाइन तो हमने यहाँ नाइन राइट कर दिया ओके okay? बेटा ये क्या है हमारे मिसिंग नंबर्स हैं आप लोगों को एक नंबर लिखा हुआ दिया गया होता है एक नंबर राइट करा हुआ होता है और नीचे आपको खुद राइट करना होता है उसके बाद वाला नंबर तो ये होते हैं हमारे मिसिंग नंबर्स ओके मैंने ये वर्किंग डन कर ली है ये आपकी थर्ड से यानी जुमेरात की वर्किंग है बेटा मैंने अपनी वर्किंग डन कर ली है ओके okay. बेटा अगर आप लोगों को हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारी सेंसोरियल की वीडियो को देख सकते हैं ओके okay? अदरवाइज़ अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम होती है वर्किंग की सो यू विल हैव टू वॉच आवर वीडियो अगेन एंड अगेन टेक योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़